हेलो दोस्तों, तो जैसे कि हम जानते हैं कि रेलवे की कुछ पोस्ट के लिए साइको टेस्ट कंपलसरी होता है, जो कि बहुत मुश्किल टेस्ट माना जाता है, तो आज हम बात करेंगे इसी टेस्ट के बारे में। तो मात्र 4 पॉइंट में मैं आपको पूरा साइको टेस्ट कम्प्लीटली समझा दूंगा, जिसमें पहला पॉइंट रहेगा साइको टेस्ट क्या होता है, दूसरा पॉइंट होगा साइको टेस्ट क्यों लिया जाता है, तीसरा पॉइंट होगा साइको टेस्ट किन किन पोस्ट के लिए कंपलसरी होता है, और चौथा पॉइंट होगा साइको टेस्ट में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं साइको टेस्ट क्या होता है। तो साइको टेस्ट को CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहा जाता है। 2017 के पहले ये पेपर पेन और पेपर के माध्यम से लिया जाता था। 2017 के बाद पहली बार 2019 में असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट के लिए सबसे पहली बार कंप्यूटर के ऊपर ये टेस्ट लिया गया। इसके बाद इसका नाम साइको टेस्ट से बदल करके CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रख दिया गया। अब हम बात करते हैं कि साइको टेस्ट किन किन पोस्ट के लिए कंपलसरी होता है। तो साइको टेस्ट मेनली 3 पोस्ट के लिए कंपलसरी होता है, असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर एंड मोटरमैन। अब हम समझते हैं कि साइको टेस्ट या CBAT टेस्ट क्यों लिया जाता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा, 3 पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर और मोटरमैन, ये तीनों पोस्ट के लिए ये टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि इन तीनों पोस्ट के हाथों में लाखों लोगों की जिंदगी होती है और इनके द्वारा लिए गए निर्णय लाखों लोगों की जिंदगी को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए क्रिटिकल सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस यानी कि क्रिटिकल सेफ्टी सिचुएशंस में ये टेस्ट कंपलसरी हो जाता है, जहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। जहां पर आप किसी पर्टिकुलर क्रिटिकल सिचुएशन में किस तरीके से निर्णय ले रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये कम्प्लीटली रेलवे के द्वारा चेक किया जाता है, ताकि आप क्रिटिकल सिचुएशन में अच्छे से निर्णय लेने के काबिल हैं या नहीं, ये पहले ही चेक किया जा सके। कम शब्दों में कहा जाए तो CBAT या साइको टेस्ट आपके निर्णय लेने की क्षमता को परखने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट होता है। सबसे अंतिम प्रश्न है कि इस प्रकार के टेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1, टेस्ट फॉर मेजरिंग योर इंटेलिजेंस। इस प्रकार के टेस्ट में आपको 5 अलग अलग आकृतियां दी जाएगी, और इन आकृतियों में से आपको एक सबसे अलग आकृति को चुनना है, जो अन्य 4 आकृतियों से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। ये आपके इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए टेस्ट होता है। कैटेगरी नंबर 2, टेस्ट फॉर मेजरिंग योर डेप्थ परसेप्शन, यानी कि आपके दृष्टिकोण को जांचने के लिए लिया गया टेस्ट। यहाँ पर आपको कुछ आकृतियाँ दी जाती हैं, जिन्हें आपको काउंट करना होता है। इस टेस्ट के माध्यम से आपके दृष्टिकोण के टेस्ट लिए जाते हैं, आपके सोचने के नजरिए को, आपके देखने के नजरिए के ऊपर टेस्ट लिए जाते हैं। कैटेगरी 3, टेस्ट फॉर मेजरिंग योर कॉन्सेंट्रेशन। इस प्रकार के टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि आप कितनी जल्दी किन्हीं भी 2 चीजों के बीच में तुलना कर सकते हैं। कैटेगरी डी, टेस्ट फॉर मेजरिंग योर परसेप्चुअल स्पीड। इस प्रकार के टेस्ट में, जैसे कि उदाहरण में आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ बसेस दी गई हैं और एक बस अलग से दी गई है। आपको ये चेक करना है कि 4 बसेस में वो कौन सी एक बस है जो एक सिंगल बस के एकदम समान है, एकदम एक जैसी है। यहाँ पर आप जितने स्पीड से ये निर्णय लेंगे, उतने संभावना है कि आप इस टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। और अंतिम कैटेगरी है कैटेगरी ई, जिसमें कि टेस्ट लिया जाता है टेस्ट फॉर योर पर्सनालिटी। यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी को कुछ क्वेश्चंस के द्वारा चेक किया जाता है। ये एक पर्सनल व्यक्ति को जानने के लिए लिया गया क्वेश्चन है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने इंटरेस्ट से सही ऑप्शन लगाता है, जिससे एग्जामिनर उस व्यक्ति की पर्सनालिटी को चेक कर सकता है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सटीक जानकारी साइको टेस्ट यानी CBAT टेस्ट के बारे में मिल गई होगी, और ऐसे ही रेलवे से संबंधित कुछ भी टॉपिक को आप यदि सर्च करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। यदि आप एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में रेलवे के ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट पे एक बार जरूर विजिट करिए।